समसामयिकी जो क्रॉनिकल आती है पतली वाली, उसके सितंबर महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं। और आप सबको ये पता भी होना चाहिए कि ये जो मैगजीन आती है ये जिस महीने की आती है, मतलब जिस महीने का घटनाक्रम इसमें दिया रहता है, उससे दो महीने आगे का मंथ जो है उस पर लिखा रहता है, जैसे सितंबर। और इसमें कंटेंट कब का है, इसमें कंटेंट जो है वो 26 जून से लेकर 25 जुलाई तक का है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। इस पर एक वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें पूरी मैगजीन का सार दिया गया था। तो सबसे पहले राज्य समाचारों को देखना है, और राज्य समाचारों में जब बात राज्यों की आती है तो नाम आता है सबसे पहले उत्तर प्रदेश का। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे। पहली खबर है यूपीडा। यूपीडा द्वारा रक्षा गलियारों को व्यापक बनाने हेतु एक समझौता किया गया। यूपीडा क्या है दोस्तों? यूपीडा मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका गठन जो है दोस्तों वो 2007 में किया गया था, और इसका काम इसके नाम के अनुरूप ही है, मतलब एक्सप्रेस वेज का निर्माण करना। तो ये जो समझौता हुआ किसके साथ हुआ है? एक निजी कंपनी है, आपको उसका नाम याद रखना है, यूएएस टेस्टिंग फाउंडेशन। यूएएस छोड़ सकते हैं लेकिन टेस्टिंग फाउंडेशन आपको याद रखना है, इसके साथ इसने समझौता किया है। 6 स्थानों को मिलाकर डिफेंस कॉरिडोर जो है वो यूपी में बनाया जा रहा है। ये 6 स्थान आपको, ये 6 जिले आपको यूपी के याद रखने हैं, कौन कौन से हैं? एक अलीगढ़ है, दूसरा आगरा है। दोनों में दोस्तों ए आता है, मतलब आ आता है, तो आ वाले दोनों पास पास रख लीजिए, अलीगढ़ और आगरा। फिर लखनऊ, लखनऊ को एल यू के से लिखेंगे, तो एल का मतलब लखनऊ हो गया, के का मतलब कानपुर, तो लखनऊ और कानपुर हो गए हैं। फिर चित्रकूट और झांसी, ये दोनों बुंदेलखंड वाले हैं। जा के बाद झा आता है, तो इस तरह से जोड़ के याद रखेंगे तो चित्र और झांसी दोनों याद रहेंगे। तो 6 जिले जो हैं डिफेंस कॉरिडोर में शामिल हैं, इन्होंने इसमें नहीं दर्शाया था लेकिन हमको याद रखना है, नाम पूछे जा सकते हैं। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024। पहली बात, ये कब शुरू किया गया? 20 जुलाई 2024 को ये शुरू किया गया। कहाँ? यूपी में ही। किसने इसका उद्घाटन किया, शुरुआत किसने की? तो आदित्यनाथ जी ने की। कहाँ से की? तो लखनऊ के अकबर नगर में। अकबर नगर आप छोड़ सकते हैं लेकिन लखनऊ आपको याद रखना है। कौन सा पौधा लगा के शुरुआत की? तो हरिशंकरी एक प्रजाति है पौधे की, उसके पौधे से योगी जी ने शुरुआत की। इससे पहले मोदी योगी जी 8 जुलाई को, आपको डेट याद नहीं रखनी है, बस समझने के लिए बता रहा हूँ, उससे पहले वृक्षारोपण जन अभियान 2024 शुरू कर चुके थे, जिसके तहत यूपी और नेपाल की सीमा पर मित्र वन की स्थापना की घोषणा की जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरह से यूपी और नेपाल या फिर भारत और नेपाल की मित्रता का द्योतक है, इसलिए इसको मित्र वन कहा गया है। उद्देश्य दोस्तों क्या है मित्र वन का? हरित आवरण को बढ़ाना है, दोनों के बॉर्डर पे जो हरित आवरण है उसमें वृद्धि करना। वृक्षारोपण जन अभियान जो है दोस्तों, इसके तहत प्रत्येक जिले को मित्र वन के अलावा शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशिष्ट वन विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, शक्ति वन महिलाओं से संबंधित होगा, युवा वन उसमें युवा वर्ग खासकर जो पुरुष वर्ग है वो शामिल होगा, बाल वन बच्चों के द्वारा जो लगाया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश आम महोत्सव की बात करें 2024, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन जो है दोस्तों लखनऊ में हुआ है, लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में, और इसका आयोजन जो है अक्सर जुलाई में ही होता है, ये भी याद रखिएगा। इस दौरान जो है आदित्यनाथ जी ने घोषणा की कि जापान और मलेशिया को यूपी कितने टन आम निर्यात करेगा, तो ये याद रखिएगा आंकड़ा, 40 टन जो है यूपी आम निर्यात करेगा। और इसके साथ 160 साल के इतिहास में पहली बार लखनऊ का प्रसिद्ध दशहरी आप सब जानते होंगे, अमेरिका को निर्यात किया जाएगा। और ये भी आपको याद रखना है फैक्ट कि देश के आम उत्पादन में यूपी का योगदान जो है लगभग 30% है। सहारनपुर, अमरोहा, लखनऊ, वाराणसी, इन 4 जिलों में जो है पैक हाउस स्थापित किए हैं यूपी सरकार ने, भारत सरकार के सहयोग से, याद रखिएगा। गन्ना अनुसंधान संस्थान कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित। अब सवाल बनता है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है कहाँ? तो लखनऊ में। यदि बात करी जाए गन्ना अनुसंधान परिषद की, तो परिषद है दोस्तों शाहजहांपुर, SPN शाहजहांपुर को लिखा जाता है, शाहजहांपुर में गन्ना अनुसंधान परिषद है, ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो क्यों इसको दिया गया है सम्मान, कृषि नेतृत्व पुरस्कार? उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है 1952 में की गई थी, और 1 अप्रैल 1969 को इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अधीन कर दिया गया। तो ये वर्ष याद रखिएगा 1969 और 1952। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस की।
यूपी का राज्य पक्षी है सारस क्रेन, इसकी आबादी में वृद्धि हुई है इसलिए ये चर्चा में है। यूपी के वन विभाग ने गणना कराई इनकी और पाया गया कि 19,918 सारस जो हैं वो यूपी में विद्यमान हैं और ये 2023 की तुलना में 396 अधिक है, मतलब 396 की वृद्धि हुई है, आपको ये याद रखना है। तो कितने की वृद्धि हुई है, 396 की वृद्धि हुई है और हैं कितने, 19,918। फिर इटावा वन प्रभाग में सारस क्रेन की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है, तो पूछा जाए किस जिले में सर्वाधिक सारस हैं, तो इटावा में है, याद रखना है। हापुड़ और पलियाखीरी में सबसे कम हैं, मात्र 2 हैं और राज्य के 10 वन प्रभागों में सारसों की संख्या 500 से अधिक है। तो सबके नाम याद मत रखिएगा लेकिन ये याद रखिएगा कितने वन प्रभाग, 10 वन प्रभाग, इनमें 500 से अधिक सारस हैं और मोटा मोटी शाहजहाँपुर और हरदोई को याद रख लीजिए, ये दोनों पास पास हैं। अगली खबर है उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में 36% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो आपको ये आंकड़ा याद रखना, कितनी वृद्धि, 36% की। राज्य सरकार ने आंकड़े जारी किए और कहा है कि 2016-17 की तुलना में 2023-24 में दालों के उत्पादन में 36% की वृद्धि दर्ज की गई, बस इतना ही याद रखिएगा। सलखन जीवाश्म पार्क, अब सवाल बनता है ये क्यों चर्चा में, क्योंकि इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, इसे कौन प्रकाशित करता है, तो यूनेस्को करीब डिस्को कहाँ, पेरिस में, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो सलखन जीवाश्म पार्क है कहाँ, तो ये दोस्तों ये सोनभद्र जिले में है, ये जीवाश्म पार्क है, इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था यूपी ने, हालांकि इसे शामिल अभी नहीं किया गया है और आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक अभी नई दिल्ली में हुई है और ये जो जीवाश्म है यहाँ पर पार्क में जीवाश्म जो है वो 1400 मिलियन वर्ष पुराने हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये जो सलखन जीवाश्म पार्क है ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य से सटा हुआ है, तो ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपको याद रखना है कहाँ है, सोनभद्र में। 2002 को जीवाश्म पार्क के रूप में इसको मान्यता दी गई, इसका उद्घाटन किया गया, किसका, सलखन जीवाश्म पार्क। फिर बात करते हैं वर्ल्ड और WRRI, इन दोनों के बीच जलवायु परिवर्तन अनुसंधान के लिए समझौता हुआ है, तो बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वर्ल्ड जिसको कहते हैं ये लखनऊ में है इसका हेडक्वार्टर और इसने जो है ये दोस्तों एक नाबार्ड की ही संस्था है, बर्ड नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त संस्थान है बर्ड, भारत और विदेशों में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकिंग में प्रशिक्षण अनुसंधान और परामर्श सेवाएं देता है। तो बर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में। तो इसने जो है बर्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसके लगभग सभी देशों में जो मुख्य देश हैं वहाँ हेडक्वार्टर हैं, तो भारत में भी इसका हेडक्वार्टर है, आपको ये बात भी याद रखनी है। इसने बर्ड ने वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है, जैसा कि नाम से जाहिर है दुनिया के रिसोर्सेज की देखरेख करता है, फिर चाहे वो मानव संसाधन हो चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, उनको लेके ये दुनिया के समक्ष पक्ष रखता है। तो इसका मुख्य जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, Washington DC में है। तो समझौता दोस्तों जलवायु परिवर्तन, सतत विकास को बढ़ावा देने और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, तो बर्ड और WRI, बर्ड और री, इन दोनों को याद रखिएगा। फिर बात करते हैं RMLIMS लखनऊ में डिफ्थीरिया वैक्सीन का परीक्षण शुरू हो गया है, तो पूछा जाए कि डिफ्थीरिया वैक्सीन का परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है, तो लखनऊ में शुरू हुआ है। लखनऊ में कहाँ शुरू हुआ है, तो राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, यहाँ पर एक नया वैक्सीन बना है, उसका नाम है बूस्टेजेन, उसका जो है तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है, याद रखिएगा। ये नए डिफ्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस DPT वैक्सीन का नाम है क्या, बूस्टेजेन, तो इसका परीक्षण चल रहा है, कहाँ बूस्टेजेन का, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, कहाँ है वो, लखनऊ में है। फिर बात करते हैं बूस्टेजेन वैक्सीन का लक्ष्य एडोसेल से प्रतिस्पर्धा करना है, जो वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाने वाला वैक्सीन है। डिफ्थीरिया के लिए एक सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन बनाया है एडोसेल, तो इससे जो है कंपटीशन करने के लिए इसको बनाया जा रहा है और आप सब जानते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ये पुणे में है और इसी ने जो है दोस्तों कोविशील्ड बनाया था, ये भी याद रखिएगा, कोविशील्ड वैक्सीन जो कि कोरोना के लिए था और जो हाल फिलहाल में खूब चर्चा में रहा है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर देखते हैं, यूपी ने क्या किया है दोस्तों, मलेरिया नहीं डायरिया बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए स्वच्छ गांव शुद्ध जल और बेहतर कल योजना की शुरुआत की,
ताकि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं मलेरिया से बच सकें। इसके साथ ही मेरठ में श्री वेंकटेश्वर जो विश्वविद्यालय है, इसने अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा। तो श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ है पूछ लिया जाए तो मेरठ में है, इसने ब्राजील के साथ समझौता किया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसने यूपी में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। और शुरुआत कहाँ से की है तो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की है। उद्देश्य क्या है, हर घर की छत पे जो है सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करके उस घर को क्लीन एनर्जी जो है दी जा सके। यूपी में ही दोस्तों एक टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी है माला नदी, वहीं पर जैव विविधता को पुनर्जीवित करने का प्रयास करने के लिए यूपी ने एक परियोजना को मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा नाम, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। फिर दोस्तों जो आईआईटी लखनऊ है जिसको आईआईटीएल कहा जाता है, इसने नृत्य कक्षाओं के माध्यम से जो छात्रों में तनाव होता है उसको दूर करने के लिए जो नृत्य कक्षाएं हैं उनका आयोजन करने का फैसला लिया है। और इन कक्षाओं के लिए इसने आईआईटीएल मतलब लखनऊ में कथक जो कि यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, कथक शिक्षक को नियुक्त किया है। तो पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए नृत्य कक्षाओं के आयोजन इस शुरुआत की है, तो यूपी। फिर है लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को शैक्षणिक अनुभव, शिक्षा और रोजगार के अवसर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है, याद रखिएगा। यूपी 112 के त्वरित संचालन के लिए 12 बंकी को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 112 जो है वो पुलिस हेल्पलाइन है। लखनऊ से दुधवा जो नेशनल पार्क है वहाँ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। यूपी ने 25,000 करोड़ रुपए के रक्षा विनिमय समझौते किए हैं सरकार के साथ, ये भी याद रखना है। तो इस तरह से यूपी कवर हो गया है, अब बिहार वाले इसको विशेष रूप से याद रखें क्योंकि अब हम लोग बिहार करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे। यूपी की तरह ही बिहार ने भी प्रश्न पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक पारित कर दिया है। इसमें क्या है, 3 से 5 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना है पेपर लीक या नकल कराने के मामले में जो है ये सजा रखी गई है। 1981 में इससे पहले का कानून था उसमें दोस्तों मात्र 6 महीने की सजा थी, तभी ये लोग ज़्यादा मजा ले रहे थे। कोसी नदी जिसे दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है, इसके जल के दोहन के लिए 11,500 करोड़ रुपए जो हैं बजट में जिसकी घोषणा की गई है वो आवंटित हुए हैं, दोहन और उपयोग के लिए 11,500। बिहार वाले इसको याद रखें, विशेष रूप से याद रखना है, 11,500 करोड़ रुपए मतलब 11,500 करोड़ रुपए। बिहार का शोक इसको कहा जाता है, स्रोत इसका तिब्बत में है और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो सूर्यकोसी, अरुण और तैमूर हैं। ये दोस्तों गंगा नदी से कटिहार जिले में जाके मिलती है, ये भी याद रखना है। अगला इम्पोर्टेंट है, ये यूपी वाले भी देख लें, विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर, ये दोनों दोस्तों धार्मिक स्थल हैं। इन दोनों को बजट में जो यूपी का काशी विश्वनाथ मंदिर है उसकी तर्ज पर यहाँ पर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो विष्णुपाद मंदिर दोस्तों कहाँ है, गया में, और महाबोधि मंदिर बोधगया में है, भगवान विष्णु को समर्पित है विष्णुपाद मंदिर, और ये जो है फल्गु नदी के तट पे है, ये भी याद रखना है। फिर बात करें विष्णुपद के पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था, दोस्तों अहिल्याबाई ने किया था जो कि इंदौर की रानी थी। महाबोधि मंदिर की बात करें, महाबोधि ये बिहार है दोस्तों, बिहार आप सबको पता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं, ये जो है दोस्तों विश्व धरोहर सूची में शामिल है महाबोधि बिहार। कहाँ है दोस्तों, बोधगया में है। और विष्णुपद मंदिर कहाँ है, केवल गया में। तो बोधगया और गया दोनों को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। फिर बिहार नगर पालिका ने एक संशोधन विधेयक पारित किया है जिसमें कहा गया है कि जनता द्वारा सीधे चुने जाने वाले जो प्रतिनिधि हैं, चाहे नगर निगम के आधार पर हों, चाहे नगर परिषद के आधार पर हों या नगर पंचायत के आधार पर हों, जैसे नगर निगम में मेयर होता है, डिप्टी मेयर होता है, वैसे ही नगर परिषदों में पार्षद होते हैं, तो इन सब को जो है पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव से मुक्ति दी गई है, मतलब इनके खिलाफ 5 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा, याद रखना इसको। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं बिहार को लेके। अवधेश नारायण सिंह, ये दोस्तों बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा। भागलपुर दोस्तों कहाँ है, भागलपुर बिहार में ही है, और भागलपुर में दोस्तों एक खिलाड़ी है
मधु कश्यप, ये देश की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है, खिलाड़ी नहीं है दोस्तों, ये सब इंस्पेक्टर, पहली महिला पहली ट्रांसजेंडर जो है वो सब इंस्पेक्टर बनी है। फिर दोस्तों एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने एक फैसला लिया है, बेगूसराय जिला जो कि कन्हैया कुमार से संबंधित है, इस जिले में एक आर्द्रभूमि स्थल है कावर ताल आर्द्रभूमि, इसके अतिक्रमण के आरोपों की जांच के लिए एनजीटी ने चार सदस्यीय नाम, ये संख्या याद रखनी, चार सदस्यीय समिति का गठन किया है और कावर ताल आर्द्रभूमि किस जिले में है, बेगूसराय जिले में है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। तो यदि पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है, तो बिहार के पूर्वी चंपारण में। इस फैक्ट को बिहार के साथ साथ दूसरे राज्य वाले अभ्यर्थी भी याद रखें। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस 55 जिलों में जो है अमित शाह जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों हैं, इनके द्वारा 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो आधुनिक सुविधाओं से लैस कॉलेज हैं, उनमें बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृति, कला जैसे अनेक विषयों का ज्ञान जो है दिया जाएगा। तो इनका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस नाम है प्रधानमंत्री का, लेकिन उद्घाटन किसने किया है आपको याद रखना है, अमित शाह जी ने किया है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों क्यों इनको पहले बनाया गया, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों कस्तूरी रंगन, रंगन ने जो है दोस्तों शिक्षा में रंग भर दिया। कस्तूरी रंगन को याद रखिएगा, 2020 में लाई गई है कस्तूरी रंगन की सिफारिशों, जो समिति बनाई गई उसकी सिफारिशों के आधार पर इसको लागू किया गया है। फिर लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश सरकार ने, अच्छा ये जो कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है इसको सभी राज्यों वाले अभ्यर्थी याद रखेंगे, लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश सरकार ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। काम इसका क्या है, जो जनता की सड़क समस्याएं हैं उनका 7 दिनों के अंदर निदान किया जाएगा, याद रखिएगा। राजस्थान को देख लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है। देखो प्रधानमंत्री सम्मान निधि पहले से चल रही है, जिसके तहत 6,000 रुपये एक साल में दिए जाते हैं, 4-4 महीनों के अंतराल पर दिए जाते हैं 2,000 रुपये। लेकिन राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, याद रखना भजन लाल, उन्होंने मुख्यमंत्री सम्मान निधि जो है वो उसकी शुरुआत की, जिसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष 2,000 रुपये मिलेंगे। तो 6,000 तो उनको पहले से मिल रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि के, अब जो है सीएम किसान सम्मान निधि के 2,000 और मिलने लगेंगे। तो इस तरह से कुल 8,000 का मजा जो है ये लोग लेने लगेंगे। ये साथियों किसान के लिए ऊंट के मुंह में जीरा है, इससे कुछ होने हवाने वाला है नहीं। हरियाणा की बात करें दोस्तों, तो आईआईटी सक्षम युवा योजना जो है हरियाणा सरकार ने शुरू की है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में युवा को सक्षम बनाया जाएगा। गरीब परिवारों के कम 60,000 युवाओं को रोजगार देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड को देखते हैं। उत्तराखंड वन विभाग ने जो है देहरादून में स्टेट्स फर्स्ट वर्ल्ड गैलरी, राज्य की पहली चिड़िया या फिर पक्षी गैलरी की शुरुआत की है। इसमें उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें दिखाई जाएंगी पक्षियों की, तो कहीं ना कहीं इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जो टूरिस्ट हैं उन्हें भी आनंद आएगा। झारखंड की बात करें दोस्तों, तो झारखंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका गठन जो है 2005 के एक्ट के तहत 2007 में, मतलब दूसरे वर्ष इसका गठन किया गया। इसने जो है दोस्तों झारखंड की जो अवरक खाने हैं, माइका की खाने हैं, उनको बाल श्रम मुक्त घोषित किया, मतलब वहां पर पहले बच्चे काम किया करते थे, अब उनको जो है बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष यदि पूछ लिए जाए तो प्रियांक कानूनगो, प्रियांक के जी, मतलब कानूनगो। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल तारामंडल जो है बनाया गया है भारत सरकार के सहयोग से। कहाँ बनाया गया है, तो दंतेवाड़ा जिले में। इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको छत्तीसगढ़ वाले ही याद रखें, लेकिन झारखंड की जो एक खबर ये है इसको विशेष रूप से याद रखना है कि अवरक खदानें जो हैं बाल श्रम मुक्त घोषित कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने इसको शुरू किया है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को बड़ा केंद्र में रखती हैं सरकारें। 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही लाडला भाई योजना भी इन्होंने शुरुआत की है, इसकी भी शुरुआत की है। तो लड़कों के लिए दोस्तों, उनको कुशल कार्यबल के रूप में तैयार करने के लिए 12वीं कक्षा पास करने वाले लड़कों को 6,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। आजीवन नहीं, ना ही नौकरी पाने तक इंटर्नशिप कराई जाएगी 6 महीने की।
आम बोलचाल में कहें इंटर्नशिप, एक तरह से जो काम करना है उसको सिखाया जाएगा और उस सिखाने के दौरान 6 महीने तक वेतन भी मिलेगा 6,000 रुपये। तो ये कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी का मॉडल था उसी से मिलता जुलता मॉडल जो है ये सरकार फॉलो कर रही है। DBT के थ्रू पैसे भेजे जाएंगे। वारकरी संप्रदाय दोस्तों याद रखिएगा महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र सरकार ने भगवान विट्ठल मंदिर की वार्षिक तीर्थयात्रा, यहाँ पर दोस्तों वार्षिक तीर्थयात्रा का आयोजन किया जाता है, तो जो तीर्थयात्री हैं उसमें शामिल होने वाले हैं उनके लिए पेंशन योजना की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। वारकरी संप्रदाय जो है दोस्तों 13वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस समय सामने आया था। और ये लोग जो हैं इस संप्रदाय के लोग भगवान विट्ठल या फिर विठोबा को जो पंडरपुर के देवता हैं उनकी पूजा करते हैं और इन्हें जो है भगवान विट्ठल को विष्णु या कृष्ण का एक रूप माना जाता है। इनके इस संप्रदाय के प्रमुख जो गुरु हैं जो संत हैं उनके नाम याद रखने तुकाराम, नामदेव, चोखा मेला और एकनाथ। गुजरात सरकार की चर्चा में है दोस्तों, गुजरात राज्य सरकार ने जो निर्माण श्रमिक हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं उन लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाने के लिए दोस्तों ये झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, इस तरह के मजदूर आपको हर बड़े शहर में मिल जाएंगे। काम करने जाते हैं तो झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, लेकिन जो लोग बनवाते हैं उनके लिए आलीशान बिल्डिंगें बना के देते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एक शॉपिंग मॉल में एक साधारण व्यक्ति को घुसने नहीं दिया गया, तो ऐसे ही लोगों को आवास देने के लिए ये योजना जो है श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार ने शुरू की है। 5 रुपये पर डे का भुगतान करके इसमें मजदूर रह सकता है। मगजी लड्डू है कहाँ का दोस्तों? ओडिशा का है। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये एक पारंपरिक मिठाई है, इसे भौगोलिक GI टैग से सम्मानित किया गया, तो मगजी लड्डू को GI टैग दिया गया है। कहाँ का? ओडिशा का है। भैंस के दूध से जो पनीर बनता है उससे बनता है मगजी लड्डू। चीनी और इलायची भी इसमें मिली रहती है। लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबको याद रखनी है। मोदी जी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया है, अभी बन के तैयार नहीं हुई है, उसके निर्माण का वर्चुअल उद्घाटन किया है। उसका नाम क्या है सुरंग का? तो सिंकुन ला सुरंग। लंबाई इसकी कितनी है? 4.1 किलोमीटर, 15,800 फीट की ऊंचाई है। निर्माण कौन कर रहा है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मतलब ब्रो इसका निर्माण कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें दोस्तों, उनके करंट अफेयर्स को देखते हैं। नागालैंड को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। बागवानी में इसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है तो इसको यह पुरस्कार दिया गया है। 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन के दौरान यह पुरस्कार दिया गया है। अब सवाल बनता है कि यह सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ? तो यह सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या थी? जलवायु चुनौतियों के बीच कृषि को आगे बढ़ाना। दोस्तों नया प्रयोग है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। जैसा भी आपका अनुभव रहा हो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा कि इसको जारी रखा जाए या फिर पहले वाला ही सिस्टम रखा जाए। नागालैंड को 3 बागवानी फसलों, नगा मिर्च, नगा टमाटर और नगा स्वीट खीरा, इनको GI टैग के लिए जो है पंजीकृत कर दिया गया है। ये भी याद रखिएगा, अभी मिला नहीं है लेकिन पंजीकरण हो गया है। सिक्किम द्वारा पर्यटक वाहनों में कचरा बैग अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों GI टैग अब पंजीकरण हुआ है, तो GI टैग दोस्तों एक्ट है 1999 में बना था, इसी के तहत जो है GI टैग दिया जाता है। और सबसे पहले 4 में चाय के लिए दिया गया था। कौन सी चाय? दार्जिलिंग की चाय के लिए दिया गया था सबसे पहले GI टैग 2004 में, ये भी याद रखिएगा। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जिसने जो पर्यटक वाहन है, जो लोग गाड़ी से घूमने जाते हैं, उनमें कहा है कि एक कचरा बैग जरूर रखें ताकि इधर उधर कचरा ना फैलाएं। लोग जाते हैं खा पी के जो है पन्नी और बोतल वगैरह फेंक देते हैं। हेलो मेघालय इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? एक OTT प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप इसकी फुल फॉर्म होती है, भी याद रखिएगा, ओवर द टॉप। तो ये सब वेब सीरीज बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है और मैं ज़्यादा की नाम नहीं जानता हूँ, नेटफ्लिक्स से समझ लीजिएगा, वो एक OTT प्लेटफॉर्म है। तो हेलो मेघालय OTT प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है किसने? मेघालय ने। ये क्या करेगा? स्थानीय जो निर्माता हैं, जो कलाकार हैं, जो दबे हुए कलाकार हैं, गांव के कुशल कलाकार हैं, उनको मौका देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि उसकी जो प्रतिभाएं हैं मेघालय की वो देश के समक्ष आ सकें, दुनिया के समक्ष आ सकें। तो केरल के बाद मेघालय ऐसा दूसरा राज्य बना है जिसने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये राज्य सरकार का ही प्लेटफॉर्म है, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्त कार्यक्रम। जैसा कि नाम से जाहिर है सिविल्स की बात हो रही है, तो ये सिविल सेवा के जो अभ्यर्थी हैं वो जब प्री पास कर लेंगे तो 1,00,000 रुपए सरकार उनको देगी
तो इस तरह की ये योजना है सिविल्स अभ्यस्त कार्यक्रम। किसने शुरू किया है? मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। कहाँ के? तेलंगाना के हैं। तो वही है, प्री निकाल लिया तो 1,00,000 रुपये दिया जाएगा, महीने में नहीं दोस्तों, पूरा दिया जाएगा जब तक आप मुख्य परीक्षा नहीं दे लेंगे। तो ऐसी पहल जो है सबको करनी चाहिए, सभी राज्यों को, तो अभ्यर्थियों का मजा हो जाए और दबाव मुक्त होकर जो है बढ़िया से तैयारी कर सकें। श्री दशरथी कृष्णामाचार्य पुरस्कार इसे दिया गया जुकांति जगन्नाथम को, लेखक और कवि हैं। इससे जाहिर होता है कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो है दोस्तों तेलंगाना सरकार द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। जुकांति जगन्नाथम इनको दिया गया है दशरथी पुरस्कार, बस इतना याद रखिएगा, जगन्नाथम और दशरथी, जो आसानी से याद हो जाए वही पकड़ लीजिए, बाकी तो छोड़ ही देना है। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, इसको अपडेट करने वाली ग्राम पंचायत बनी है अलपुझा जिला, कहाँ है? केरल में। इसकी एक ग्राम पंचायत है थजाकारा। इसने स्थानीय लोगों की भागीदारी से इस रजिस्टर को अपडेट किया है। एक्चुअली जैव विविधता अधिनियम 2002 में यह प्रावधान किया गया है कि स्थानीय स्तर पर जो है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को अपडेट करना अनिवार्य रहेगा, उसका विकास करना अनिवार्य रहेगा। तो जो स्थानीय लेवल पर लोग रहते हैं उन्हीं की मदद से इसको अपडेट किया जाता है, जो भी चाहे पौधों की प्रजातियों में वृद्धि हुई हो या कमी हुई हो, या फिर जो जीव जंतु हैं उनकी संख्या में कमी हुई हो या वृद्धि हुई हो, उस सब का ब्यौरा जो है इसमें अपडेट किया जाएगा। बस यही याद रखना है, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति, दोस्तों महाराष्ट्र ने जो है ये जो समिति है दोस्तों, इसने घोषणा की और कहा है कि महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला है? महाराष्ट्र को। और अभी हम लोगों ने पीछे देखा है कि नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो महाराष्ट्र और नागालैंड दोनों को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने दोस्तों सरकार की कल्याणकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाने का निर्णय लिया, एक नया विभाग सृजित करने का निर्णय लिया है। राजस्थान ने अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाई है और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना 2030 तक, इसका उद्देश्य है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को घटाकर 50% कर दिया जाए। तो ये नेशनल लेवल का फैक्ट है, याद रखिएगा, न केवल राजस्थान वाले इसको याद रखें बल्कि सभी स्टेट वाले अभ्यर्थी इसको याद रखें। फिर है, केंद्र सरकार ने फरीदाबाद में प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाएगा जो एशिया का पहला होगा। ये फैसिलिटी जो है एशिया की पहली है, इसमें जो है प्री क्लिनिकल नेटवर्क मतलब प्री क्लिनिकल फैसिलिटी उपलब्ध रहेगी, मतलब इलाज होने से पहले जो छोटी मोटी जाँचें वगैरह हैं और जो अनुसंधान वगैरह हैं उस पर काम किया जाएगा। कहाँ? फरीदाबाद में एक फैसिलिटी या फिर एक सेंटर बना है, याद रखिएगा। बीएसएफ ने एसबीआई बैंक के साथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मिलके श्रीनगर में जो मुख्यालय है बीएसएफ का, उसके साथ मिलके कहा है कि पेड़ों के साथ बढ़ें, ये एक अभियान है, पेड़ों के साथ बढ़ें, उसकी शुरुआत की गई है। कहाँ? बीएसएफ मुख्यालय श्रीनगर में। और मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि राज्य के जो मंत्री हैं अब अपने वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान अपनी जेब से करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने राज्य समाचारों को कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके ओपिनियन के आधार पर ही, आपके फीडबैक के आधार पर ही इस पहल को आगे तक जारी रखेंगे। तो अपना अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।